ये इस बात का बेसिक रहे हैं कि पक्ष ने जो शिवलिंग का दावा किया है वो वहाँ पर मौजूद है। एक सेकंड धूपचंदी जी, आपने पढ़ा नहीं है? नहीं नहीं, पूरा का पूरा रिपोर्ट पढ़ के आज मैं बात कर रही हूँ। मेरी बात तो सुने, मेरी बात आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, मेरी बात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप का जिक्र है। शिवलिंग जो हिंदू पक्ष दावे कर रहा है, इसके अलावा उसके ऊपर नीचे काले रंग का पत्थर है, उसके ऊपर अलग से कुछ जोड़ा गया है, उसमें क्रॉस का निशान है, ये लिखा है उसमें, ये लिखा है उसमें। अरे मैं पढ़ के आई हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लोगों के रिएक्शन देते हैं, लोगों के ठीक है, आपकी बातों पर लोगों के रिएक्शन, धूपचंदी जी की बातों पर। पत्थर पे काई हिंदू है या मुस्लिम है? ये समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की चाटुकारिता क्यों करती है बताएं? ये हिंदू है या नहीं? इनके रगों में हिंदू का खून है कि नहीं, पहले इनसे पूछा जाए। तो लेकिन कोर्ट की ही बात कर रहे हैं ना कि इंतजार कर लो कोर्ट से क्या आता है। अरे तो ये मुस्लिम है कि हिंदू है, ये चाटुकारता क्यों मुस्लिम? पहले उस पर जवाब दे दीजिए, नागरिक है वो, भारत के नागरिक है, ठीक है, वो भारत के नागरिक है। जवाब देने दीजिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए प्लीज, आ रही हूँ, जवाब सुनिए। मैंने सिर्फ उस बहस को जो लीक हुआ है उसी लीक में हुआ। अरे एक मिनट शांत हो जाओ ना, उनको बोल लेने दो, आवाज नहीं आएगी तुम्हारी। आप जो लीक हुआ है उसी रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अलग से नहीं कहा जी। मेरा ये मानना है कि शिवलिंग में छेद नहीं होता, मैं अपने भगवान में छेद नहीं मानता। जो मानता है वो कितना बड़ा हिंदू है वो बताए। सुनिए हमको बताए ना, कहे कि शिवलिंग में छेद होता है। अपनी पुस्तक में लिखे, सुनिए अब मेरी बात सुनिए, जल्दी से जल्दी। जहाँ ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस पर ऐसा हीरा जड़ा हुआ था जिसका मूल्य 30 लाख दीनार लगा हुआ है। शाहजहाँ ने अपनी पुस्तक में लिखा है और उसको तोड़ने की कोशिश। ब्रिटिश लाइब्रेरी, एक सेकंड, ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी में धूपचंदी जी इस बात के सबूत मिलेंगे कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कितना नुकसान पहुंचाया। यह उसका सबूत दूंगा, यहाँ पर भरोसा कीजिए। और आप उस बात को मानने को, जो मामला सब जुडिस है उसको सीधे सीधे आप नहीं कह सकती। आप मैडम बैठ के, आप एक बड़े एंकर एंकर है, उसे जिम्मेदारी लोकल एंकर नहीं है, जिम्मेदारी के साथ एंकर है। आप देखिए, एक सेकंड सर, अब आप जो कहेंगे वही जवाब मेरी नहीं हो सकती। सवाल पूछने का हक है और मैं कोई भी सवाल पूछूंगी और कोई भी नेता मुझे ये नहीं समझाएगा कि मुझे किस तरह का सवाल पूछना चाहिए। आप शिवलिंग नहीं घोषित कर सकती हैं, ये शिवलिंग घोषित करने का अधिकार नहीं है आपको। मामला तो अभी अदालत में है, फिर माहौल तो ऐसा बना दिया गया है जैसे अभी से मान लिया है आप लोगों ने कि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है और जो शिवलिंग है वही सत्य है, वही भगवान, और उनकी पूजा आराधना की इजाजत दी जाए। असल में ये 92 वाला कांड दोहरा नहीं पाए हैं तो गर्म हो गए हैं। 92 में अगर ये दोहरा लेते तो ठंडा रहते। दूसरा ये है जो कह रहे हैं शिवलिंग में सुराग है, 300 सालों से मुसलमानों ने अपने कब्जे में मूर्ति को रखा तो उसमें सुराग भी नहीं कर सकते, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या वो उसे तोड़ नहीं सकते? तीसरी बात, सुराग ही इन्होंने जो वहाँ पत्थर लगाया है दीदी, वहाँ मड़ियाँ लगी थी। एक मिनट आप रुक जाइए, मैंने नहीं बोला, आपने बोलिए, आप नहीं बोलिए, बात हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। एक बार नहीं बोला तो आप ठीक है, बोले धूपचंदी जी जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि उसको राजा टोडलमल ने मुकुट बनवाया था हीरे का, जिसको इन लोगों ने निकाल करके पत्थर चिपका दिया है। दूसरी बात ये है कि इनको खुद संकोच नहीं लग रहा है, ये हिंदू हैं किस बात के हैं, और धूप चंडी लिख रहे हैं, मत लिखिए। और एक मिनट, अकबर के मंत्री नहीं बनेंगे, अखिलेश ही बनेंगे अगर जीतेंगे तो। आपको कुछ नहीं मिलना है, बेकार का आप परेशान हो रहे हैं। कुछ मिल गया, 1000 नौकरियां चली गई, हमको 1000 नौकरियां की चली गई। अरे आप लोगों के लिए गई है, अभी अपनी पहचान बनाने का मौका मिल गया, अभी मिल गया है, कुछ मिल गया है, इसीलिए विश्वनाथ का विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए विश्वनाथ, वो कह रही है घबराइए नहीं, सब कुछ सामने आएगा। इस तरह का माहौल हम काशी के हैं जो 1992 दोहरा नहीं पाए, बिल्कुल नहीं दोहरा पाए हैं ये, ना दोहरा पाएंगे, कभी नहीं दोहरा पाएंगे। ऐसा है, क्या किया था इन्होंने, और ये पगलाते ही रहेंगे। संविधान की रक्षा करने का प्रण ले, बिल्कुल संविधान की बात करेंगे, सनातन धर्म के साथ जितना खिलवाड़ करते हैं समाजवादियों ने किया। कानून की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा,
सनातन धर्म के साथ जितना खिलवाड़ कर सकते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह। ठीक है चलिए मां राजेंद्र तिवारी जी के पास अपने आते हुए आराम से मां राजेंद्र तिवारी जी सीधे आपके पास आते हुए क्या सोचना है आपका, मैं चाहूंगी माइक उठा लीजिए आप। क्या एक अलग तरह का माहौल बनाकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या वास्तव में जो 500 साल पहले अत्याचार हुए हैं, हिंदू वर्ग का ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं उस समय किसी ने आक्रमण किया था तो आज की तारीख में उसको सही तो ठहराया नहीं जा सकता। अगर कुछ चीजें वापस मांगने का हक है और उसके प्रमाण मिल रहे हैं तो वापस लेने में क्या दिक्कत है, ये हिंदू पक्ष का कहना है, क्या है इस पर जवाब आपका? जी चित्रा जी आपने सही कहा, मैं आपको एक साक्ष्य दिखा रहा हूं। ये दारा सिको का लिखा हुआ तमिलिक नामा है, ठीक है, पट्टा लिखा हुआ है। हाँ। हमारे परिवार के हमारे पूर्वजों के नाम से ये ज्ञानवापी में जो वर्तमान जिस विवाद को आप लोग पूरे देश में वितांडो लेके खड़ा है वो उसका प्रमाण है कि वो मंदिर था, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा, माइक ले लीजिए, पास में माइक ले लीजिए, किनारे रखेंगे, पूरी बात सुनिएगा। हाँ बिल्कुल सुनूंगी जल्दी से सर। वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना इसमें कोई संशय नहीं, कोई विवाद नहीं।